हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मार्केट के जैसा बिल्कुल हम बना के आपको दिखाएंगे और घर के सारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत चटपटी होती है। इसे आप कभी भी बर्थडे पार्टी हो या घर पे किटी पार्टी हो या शाम का स्नैक्स हो, कभी भी बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज पापड़ी चाट बनाते हैं। पापड़ी चाट बनाने के लिए हमने पापड़ी लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें सबसे पहले पापड़ी को एडजस्ट करेंगे। तो आप जितना पापड़ी का बनाना चाहते हैं उतना पापड़ी इसमें सजा लीजिए। अब हम पापड़ी के ऊपर बॉयल करके टुकड़े में तोड़ा हुआ आलू डालेंगे। तो आलू आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। चाट में आलू का स्वाद तो सबको अच्छा लगता है, आप अपने पसंद के अनुसार आलू डालिए। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो हम थोड़ा थोड़ा प्याज डाल लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। थोड़ा सा हम हरी मिर्च डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो मिर्च कम डालिए, बड़ों के लिए तो तीखा अच्छा ही लगता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही। तो दही को हमने गाढ़ा ही रखना है और थोड़ा सा शक्कर डाल के इसे हमें ऐसे फेंट लेना है। अब हम सभी पापड़ी के ऊपर दही डालेंगे। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले मीठी चटनी डालेंगे, यानी कि इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये तो बहुत चटपटी होती है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे हरी धनिए की चटनी, जिसमें हमने पुदीना मिर्च नमक डाल के पीस रखा है। अब हम उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालिए आप। जीरा को भून के पीस लेना है। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ चटनी में भी नमक होता है, अपनी पापड़ी भी नमकीन होती है, तो समझ के नमक डालना है। थोड़ा थोड़ा हम लाल मिर्च डालेंगे, आपको जितना तीखा है उस अनुसार से डालिए। अब हम सबसे लास्ट में इस पे डालेंगे चाट मसाला, क्योंकि ये पापड़ी चाट है तो चाट मसाला तो बनता ही है। सभी पे हम थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सेव से गार्निशिंग कर लेंगे, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी फरसान हो सेव का वो डाल दीजिए। तो ये अपना फाइनली पापड़ी चाट बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया पापड़ी चाट बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटी होता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।